हैं झारखंड से, जहां राजधानी रांची में बताया जा रहा है करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। झारखंड के मंत्री के पीएस के नौकर के घर ये पैसा रखा गया था। आपको बता दें, नौकर के घर से 500-500 की गड्डियां बरामद हुई हैं। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर पर इतना भारी भरकम कैश बरामद हुआ। और देखिए, झारखंड के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है आलमगीर आलम, और उनके सचिव के नौकर के घर पर यह पैसा रखा गया था। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत अंदर है, हिरासत में है। और ऐसे में अब देखिए कि बाद एक इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड में रांची में बताया जा रहा है करोड़ों का कैश मिला है, जहां रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के पीएस के नौकर के घर पर 500-500 की नोटों की गड्डियां बरामद हुई है। तो लगातार टीम वहां पर मौजूद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां पर मंत्री के पीएस के नौकर के घर पर पैसा मिला है, और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और सोहन हमारे साथ, हमारे जो सहयोगी है फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर के जुड़ गए हैं। सोहन, ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, और ऐसा नहीं है कि झारखंड में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, लेकिन इससे जुड़ी हुई और क्या अपडेट्स आपके पास है, जरा बताइए। देखिए, सुबह सुबह जो ईडी की टीम है वो रांची में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें झारखंड सरकार से जुड़े कुछ अधिकारी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण छापेमारी हुई है झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कांग्रेस में कोटे से मंत्री हैं, आलमगीर आलम के जो पीएस हैं संजीव लाल, उनके घर पर ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंची थी, छापेमारी कर रही है, और उनके घर से नोटों का बंडल बरामद हुआ है। हालांकि नोट कितने हैं अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन गिनती शुरू हो गई है और उसके बाद पता चलेगा कि कितने नोट बरामद हुए हैं। लेकिन ईडी अभी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इतने भारी मात्रा में नोट आखिर मंत्री के पीएस के घर में क्या कर रहे थे।